एक जमाना था, शरीफ मक्का का दौर था, आला हजरत हज पे गए। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर थे, वो भी हज पे गए हुए थे। पुरानी तस्वीर अगर किसी के पास हो, गुंबद खजरा के पास दो खजूर के दरख्त थे, अब तो नहीं है, तामीरी जरूरियात की वजह से उनको हटा दिया गया। तो शायर ने अपने अंदाज में एक तखय्युल बांधा और उसने कहा, कब है दरख्त गुंबद शहे वाला के सामने, कब है दरख्त गुंबद शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। लोगों ने कहा, वाह वाह, कमाल कर दी, कैसा तखय्युल बांधा, बड़ी दाद पाई ना लोगों से। तो किसी ने आके ये शेर आला हजरत को सुनाया कि वो शायर जो हिंदुस्तान से आए हुए, उन्होंने ये शेर कहा, क्या तखय्युल बांधा है। आला हजरत शेर सुनने की देर थी, चेहरे पे जलाल आ गया, रगे गैरत फड़कने लगी, कहा, उसको ये जुर्रत के मेरे रसूल के रोजे को लैला के खेमे से तशबीह दी, लैला की औकात क्या है। थर थर कांपने लगे, कहा, बुला के लाओ। उसे बुलाया गया, हाजिर किया गया। उसका ख्याल था मुझे दाद मिलेगी, लेकिन कहा कि तूने रसूल करीम के रोजे को तशबीह दी लैला के खेमे से, तो हाथ बांध के खड़ा हो गया, हुजूर मेरी तवज्जो इधर नहीं गई। तो फरमाया, इसकी इस्लाह कर लो। जी हुजूर, आप इस्लाह दे दीजिए। फरमाया, तुम्हारा मिसरा उला ठीक है, मिसरा सानी में इस्लाह होगी। उसने ये कहा था, कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमाए लैला के सामने। तो आला हजरत ने इस्लाह दी, कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अरशे मुअल्ला के सामने, कुदसी खड़े हैं अरशे मुअल्ला के सामने, सख्नो शायरी शहर यार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रिजा चाहे। तो काब बिन जुहैर, उन्होंने क्या कहा, इन रसूल लनूरुन युस्तजाओ बेही मुहन्नदुन सैफु मिन सयूफिल हिंद मसलूलू। तो हजरत काब बिन जुहैर ने वहां खड़े खड़े हुजूर की शान में एक तवील कसीदा, जो बानत सुआहत के नाम से मारूफ हुआ, जब ये कसीदा पढ़ चुके तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उतार के काब बिन जुहैर को दे दी। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आप सना खां को बुलाएं, नात खां को बुलाएं, तो उसको बाद में आप नजराना दे सकते हैं, उसको जो है वो आप चादर दे सकते हैं, उसको जुब्बा दे सकते हैं, उसकी जो खिदमत करना चाहे कर सकते हैं, ये मेरे हुजूर का तरीका है। लेकिन ये तमाशा ना लगाएं, ये बरसते हुए नोट और फिर ये जो रंग ढंग हमारे स्टेजों के ऊपर होता है, और फिर जिस शेर पे नोट आ रहे होते हैं वो शेर भी 6 बार पढ़ा जाता है। वो कहते हैं, ये शेर चौधरी साहब के नाम और सारे शेर हुजूर के नाम, चौधरी साहब के नाम कोई शेर नहीं, सारे शेर मेरे हुजूर के नाम होते हैं। नात का एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज, एक एक हरफ और एक एक नुक्ता मेरे हुजूर के नाम है। पूरा शेर नाम कर दिया, क्यों, उसने जरा पैसे ज्यादा दे दिए तो उसके नाम ही शेयर हो गया, ये कौन होता है इसके नाम शेयर करने वाला। यार ये तो चौधरी साहब हुए, कौन है, कौन है जिसके नाम शेयर हो जो हुजूर का शेयर हो। जब हजरत सैयद सिद्दीक अकबर पे आखिरी वक्त आया ना, आखिरी वक्त, तो फिर उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब अपने बाप के वो लम्हे देखे तो उनकी जुबान से मोहब्बत पिदरी की वजह से बेसाख्ता निकल पड़ा, वह अब यद युस्तस्कल गमामु बेवजह ही। ये हजरत नबी रहमत के चचा जान ने हुजूर के लिए ये एक शेर कहा था, तो चेहरा इस तरह तम तमा रहा था तो ये मिसरा उनकी जुबान पे आ गया। तो हजरत सिद्दीक अकबर उस वक्त सांस आपकी टूट रही थी, ऐसे सर किया और कहा, जाकर रसूलुल्लाह, ये अबू बकर की शान नहीं, ये मेरे रसूल की शान है। तो नात का शेर तो नजर नहीं किया जा सकता, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो रसूलुल्लाह का अक्स है और वही जलवे उनके चेहरे के ऊपर पड़े उम्मुल मोमिनीन को दिखाई दिए, तो कहा, जाकर रसूलुल्लाह, नहीं नहीं, ये शान मेरे हुजूर की है, चौधरी साहब कौन होते हैं। लेकिन अल्लाह बुरा करे दौलत की मोहब्बत का, इसने अकीदे छीन लिए, कदरें पामाल कर दी। और हमारे बहुत सारे नात खाने फिट किया होता है, वही शेर हुजूर के लिए, और जब किसी पीर खाने में जाते हैं नाम बदल के वही पीर साहब के लिए, पीर साहब भी मस्त बन के बैठे रहते हैं, जानते होते हैं ये नात का शेर है, और तू कौन है, तेरी सारी इज्जतें हुजूर के कदमों से लगी हुई धूल के बराबर भी नहीं है।